नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पूरे हरियाणा में लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में किसानों की फसल मंडियों तक पहुंचाई जा रही है या फिर मंडियों को गांव तक ले जाया गया। सरसों की खरीद लगभग पूरी हो चुकी है तो वहीं गेहूं की कटाई और मंडी में खरीद का काम भी जोरों पे है। इसे लेकर के छोटे से लेकर के और बड़े किसान भी लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश में लेबर की कमी है, इसलिए अब की बार किसानों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसी के चलते बड़े और छोटे किसान अपना काम खुद संभाल रहे हैं। ऐसे ही स्थिति में हरियाणा के इनेलो नेता व एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला भी पीछे नहीं रहे। अभय चौटाला ने शनिवार को खुद कंबाइन का स्टेयरिंग अपने हाथों में संभाला और गेहूं की कटाई शुरू कर दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी ऐसा जारी किया है जिसे लगातार शेयर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि चौधरी देवीलाल कहते थे कि किसान के दुख सुख समझने के लिए किसान बनना पड़ता है। आपको बता दें कि इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर रहते हैं और वहीं पर उन्होंने अपने खेतों के बीच में अपनी कोठी बना रखी है। इन दिनों सिरसा व आसपास के गांव में खूब गेहूं की कटाई चल रही है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला खुद खेती करते हैं। हालांकि अभय सिंह चौटाला ने गेहूँ की खरीद शुरू होते ही बहुत सारी ऐसी मंडियाँ हैं जिनका दौरा भी किया, लेकिन बाद में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए मंडियों का दौरा उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन इस दौरान किसानों से जुड़े हुए कई मुद्दे भी उन्होंने उठाए। हरियाणा में गेहूं की खरीद भी लगातार जारी है, जिसके लिए पूरे हरियाणा में 1800 से ज़्यादा खरीद केंद्र भी बनाए गए हैं। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनकी खरीददारी जल्दी की जा रही है, क्योंकि उनके पास एक मैसेज आता है और वे बाद में अपनी फसल को मंडी ले जा सकते हैं। आइए दिखाते हैं तेजा फार्म हाउस, जहां पर अभय सिंह चौटाला खुद कंबाइन चला रहे हैं।